हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पॉइंट टू शूट कैमरा वर्सेस एसएलआर कैमरा। लोग पूछते हैं कि एक 15 से 20 हज़ार में जो पॉइंट टू शूट कैमरे आते हैं और सेम रेंज में आजकल कम कीमत में एसएलआर कैमरे भी मिलने लगे हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? लोग कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन पॉइंट टू शूट और एसएलआर। तो एसएलआर में क्या क्या चीज़ें आपको ज़्यादा मिलती है, आज हम बताते हैं आपको। पॉइंट टू शूट में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं होती है, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है मेगापिक्सल। मेगापिक्सल जनरली एसएलआर में आपको ज़्यादा मेगापिक्सल मिलता है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो बेसिक एसएलआर होते हैं उसमें आपको कम मेगापिक्सल मिले कंपेयर टू पॉइंट टू शूट। कुछ पॉइंट टू शूट कैमरा होते हैं जो 15,000 से की रेंज में आपको बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल दे देंगे, जैसे 24 मेगापिक्सल का पॉइंट टू शूट कैमरा मिलेगा। और इसकी बात करें तो ये 18 मेगापिक्सल है केवल, या जो बेसिक एसएलआर होते हैं वो कम मेगापिक्सल में मिल जाएंगे। मेगापिक्सल से इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन चीज़ होती है लेंस, उसका सेंसर साइज़ और काफ़ी सारी चीज़ें दूसरी जो एसएलआर के साथ अवेलेबल होती है जो पॉइंट टू शूट में नहीं होती। सेकेंड चीज़ जो आपको मिलती है वो है इंटरचेंजेबल लेंस की फैसिलिटी, मतलब आप इसमें से ये लेंस इस तरह से अलग निकाल सकते हैं और जिस तरह की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं उस तरह का लेंस आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप नाइट फोटोग्राफी कर रहे हैं, नाइट सीन्स के हिसाब से एक लेंस अलग होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई बहुत दूर का फोटोग्राफ्स लेना है तो उसके लिए जूम लेंस होते हैं, टेलीफोटो लेंस होते हैं, वो लेंस आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत क्लोजअप शॉट यानी पोर्ट्रेट ले रहे हैं तो पोर्ट्रेट के हिसाब से आप लेंस अलग यूज़ कर सकते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है जो एसएलआर में मिलती है वो है डेप्थ ऑफ फील्ड, यानी आप जो सब्जेक्ट है जो उसको आप फोकस में रख सकते हैं और बाकी सारा बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एसएलआर के अंदर मिलेगा। पॉइंट टू शूट के अंदर जो आपको मिलता है वो सारा फोटो सारा एक ही फ्लैट फोटोग्राफ्स मिलता है, मतलब बैकग्राउंड और सब्जेक्ट दोनों फोकस में रहता है पॉइंट शूट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हाई आईएसओ पर ग्रेन्स। जब भी हाई आईएसओ पे कोई भी फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें ग्रेन्स आने की समस्या होती है। पॉइंट टू शूट से सपोज 400 आईएसओ पे हम पिक्चर लेंगे और सेम 400 आईएसओ पे एसएलआर से लेंगे, तो इस पे जो पिक्चर्स आएगी पॉइंट टू शूट से उस पे काफ़ी ग्रेन्स होंगे, और इससे अगर एसएलआर से खींचेंगे तो उससे ग्रेन्स की मात्रा काफ़ी कम होगी, क्योंकि जो कैमरा ब्रेन होता है वो हाई आईएसओ पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, जो पिक्सल्स होते हैं उसके कम फटते हैं लो लाइट्स में, यानी लो लाइट्स में एसएलआर काफ़ी अच्छा है आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जूम। जो ये इसका जूम हमें मिलता है वो फिक्स्ड रहता है, जैसे कि बात करें तो ये 35 to 70 mm के आसपास इसका जूम अप्रॉक्सीमेटली होगा। और एसएलआर कैमरों में हम चूँकि लेंस चेंज कर सकते हैं इसलिए जूमिंग अनलिमिटेड कर सकते हैं, जितना आपको जूम करना है, टेलीफोटो लेना है, बहुत दूर की फ़ोटोग्राफ्स लेना है तो आप लेंस लगाइए और जितना चाहें उतना जूम आप ले सकते हैं। नेक्स्ट और एक मेजर पॉइंट है रॉ फॉर्मेट। एसएलआर कैमरों से हम रॉ फॉर्मेट में इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, पॉइंट टू शूट में आपको जेपीजी फॉर्मेट मिलेगा। रॉ फॉर्मेट क्या होता है? रॉ फॉर्मेट ये होता है कि आप जब फोटोग्राफ्स लेते हैं और पोस्ट प्रोडक्शन में फोटोशॉप या किसी और सॉफ्टवेयर से यूज़ करते हैं तो उसकी क्वालिटी लो होती जाती है, जितनी जितना आप पोस्ट प्रोडक्शन में आप यूज़ करेंगे उतना फोटो का क्वालिटी कमज़ोर होता है। रॉ फॉर्मेट में आपको काफ़ी अच्छे डिटेल्स के साथ फ़ोटो मिलता है जो पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करता है, यानी आप अगर कोई बड़ा पिक्चर फोटोग्राफ करवाना चाहते हैं, काफ़ी बड़ा पोस्टर बनवाना चाहते हैं या कोई बड़ा फोटोग्राफ में डेवलप करवाना चाहते हैं तो उसमें आपको एसएलआर कैमरा हेल्प करेगा, क्योंकि रॉ फॉर्मेट जो होता है काफ़ी डिटेल्स के साथ फ़ोटो कैप्चर करता है, जो कि रॉ फॉर्मेट पॉइंट टू शूट के अंदर नहीं मिलता। एक मेजर पॉइंट है कि रॉ फॉर्मेट एसएलआर में ही अवेलेबल है। प्रोफेशनल फोटोग्राफर एसएलआर कैमरा जो यूज़ करते हैं उसका एक मेन रीज़न होता है कि मैनुअल कंट्रोल्स। मैनुअल कंट्रोल्स एसएलआर के अंदर आप हर चीज़ में मिलेगा, जैसे आईएसओ है, शटर स्पीड है, एपरेचर है, पॉइंट टू शूट में ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती आपको। इसमें डायरेक्टली आप यूज़ करते हैं, कैमरा ऑटोमेटिक डिसाइड करता है शटर स्पीड क्या रखनी है, एपरेचर क्या रखना है और बस शूट कर लेता है। इसमें आपको सारी चीज़ें आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक मेजर रीज़न है एक एसएलआर बाय करने के लिए। नेक्स्ट रीज़न है एसएलआर में आप यहाँ पे आपको मिलता है एक्सटर्नल फ्लैश अटैच करने के लिए पॉइंट। ये जो एक्सटर्नल फ्लैश अटैच कर सकते हैं इससे आपको जब भी नाइट फोटोग्राफी करना होता है तो एक्सटर्नल फ्लैश काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। पॉइंट टू शूट में फ्लैश बहुत छोटा रहता है और आप इसमें एक्सटर्नल फ्लैश भी अटैच नहीं कर सकते, एक मेजर रीज़न है लो फोटो लाइट फोटोग्राफी के लिए। काफ़ी सारे लोग तो सिर्फ इसलिए एसएलआर में जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पे कंट्रोल्स काफ़ी सारे दिखते हैं,
वो सोचते हैं कि पॉइंट टू शूट में हमें कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ बटन दबाया फोटोग्राफ्स ऑटोमेटिकली कैमरा डिसाइड करता है कि कौन सी फोटोग्राफ कैसे लेना है और सारी सेटिंग्स के साथ ऑटोमेटिकली फ़ोटो कैप्चर कर ली जाती है। SLR में उनको ऐसे सारे कंट्रोल देख के लगता है कि उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी सेटिंग्स पे हमें चलाना है, काफ़ी सारी फोटोग्राफी की चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप बेसिक फोटोग्राफी करना चाहते हैं SLR के साथ भी सारी बेसिक फोटोग्राफी की जा सकती है बाय ऑटो मोड। ये जो ऑटो मोड आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस ऑटो मोड पे कैमरा डालने के बाद जैसा पॉइंट टू शूट ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है हर चीज़, वैसे ही ये SLR कैमरा भी डिसाइड करेगा सारी सेटिंग ऑटोमेटिकली अपने आप। आपने जो भी फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं उस सीन के अकॉर्डिंग कैमरा ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि आपको फोटोग्राफ की सेटिंग शटर स्पीड क्या रखनी है, अपर्चर क्या रखना है और वाइट बैलेंस क्या रखना है, और उस हिसाब से फोटो कैप्चर करेगा। एक लास्ट फाइनल कंक्लूजन हमारा ये है कि अगर आप किसी भी नज़र से देखें SLR वर्सेस पॉइंट टू शूट में, SLR काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है हर एक एंगल से, हर एक फीचर्स की नज़र से। सिर्फ आप पॉइंट टू शूट में तभी जा सकते हैं जब आपको इतना हैवी कैमरा नहीं चाहिए, छोटा सा कॉम्पैक्ट कैमरा चाहिए जो आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में आ जाए, तो आप पॉइंट टू शूट में जा सकते हैं। अदरवाइज या तो आपका बजट कम है, अगर सेम बजट में मेरे ख्याल से आजकल 15,000 से 20,000 के रेंज में आपको छोटे SLR कैमरे मिलते हैं, तो अगर आप बजट कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक बल्कि बॉडी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हेवी बॉडी कैरी करना पड़ रही है, तो आप डेफिनेटली गो फॉर SLR। पॉइंट टू शूट में सिर्फ एक रीज़न से जा सकते हैं कि काफ़ी कॉम्पैक्ट आता है और कहीं पर भी आप ले जा सकते हैं। बाकी फोटोग्राफी की नज़र से देखें, आप सीरियस फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, मैनुअल कंट्रोल्स चाहते हैं या एक अच्छी फोटोग्राफ चाहते हैं डिप टॉप फील्ड के साथ, बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं, तो SLR के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। SLR एक बेस्ट ऑप्शन है प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए, सो डेफिनेटली गो विथ SLR। पॉइंट टू शूट वर्सेज SLR में आपका कोई भी और क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।